नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24 7 लाइव टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से, जहां थाना परौर पुलिस ने अवैध तमंचा के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने सूत्रों से बताया कि आज शाहजहांपुर के थाना परौर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के ककोड़ा तिराहे से अभियुक्त विजय पाल को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त परौर थाना क्षेत्र के ग्राम भुड़िया ककोड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सोनू शर्मा की रिपोर्ट। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से, जहां थाना परौर पुलिस ने अवैध तमंचा के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने सूत्रों से बताया कि आज शाहजहांपुर के थाना परौर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के ककोड़ा तिराहे से अभियुक्त विजय पाल को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त परौर थाना क्षेत्र के ग्राम भुड़िया ककोड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सोनू शर्मा की रिपोर्ट।